सो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज माय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को पिक्सेल ऐप के यूज करके कुछ इस टाइप का फोटोग्राफी को स्मूथ करना एंड आप लोग एक नेक्स्ट लेवल का फोटो एडिट करना सीखना बोलो। ओके, से वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाला है। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए, और मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना। इंस्टा आईडी का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो के यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना है पिक्सेल ऐप के अंदर, तो मैं आप ये वाला फोटो को पिक्सेल ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो पिक्सेल ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला फोटो के अंदर ब्लैक टोन डाल लेना। ओके, फोटो के अंदर ब्लैक टोन डालने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट टूल, इसको पर आप लोग क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कलर स्प्लेस। ओके, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। प्लस टूल को आप लोग को फेस के अंदर छोड़ना है, ठीक है। सो आप लोग इसका मिनिमम ह्यू को आप लोग इधर उधर का कर देख लेना, जो आप लोग का इफेक्ट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, फेस के अंदर अगर रहेगा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फोटो के अंदर ब्लैक टोन आ चुका है एंड फोटो अभी से कितना ज़्यादा अमेजिंग सा लग रहा है, ठीक है। अब आप लोग को बुके इफेक्ट को ऐड कर लेना है, तो बुके इफेक्ट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप आप लोग क्लिक कर लेना है ऐड फोटो के अंदर एंड ये वाला बुके इफेक्ट को आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। ये वाला इफेक्ट को ऐड करने के बाद जाना इसका ब्लेंड टूल के अंदर एंड इसको कर लेना आप लोग को स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको रख लेना है, तो मैं यहाँ पे इसी टाइप से रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे रिमूव कर लूँगा, तो आप लोग को भी इसी टाइप से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर लेना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट रिमूव कर लेता हूँ। ओके, इस टाइप से आप लोग एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के बाद आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना एंड इसका ओपोजिट आप लोग बाद में कम ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो वाला फोटो के अंदर बुके इफेक्ट भी आ चुका है। अब आप लोग को सिर्फ ये वाला फोटो को एक ही काम करना है, यानी कि इसका फेस को व्हाइट कर लेना है, फेस को स्मूथ कर लेना है, ठीक है। फोटो का फेस को व्हाइट करने के लिए एंड स्मूथ करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा रिटच टूल, इसको पर आप लोग क्लिक कर लेना है। ओके, इसको पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट को जाके आप लोग को यहाँ पे मिलेगा स्किन टोन। ओके, तो आप लोग स्किन टोन के अंदर क्लिक कर लेना है एंड ये वाला कलर को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑटो पे आप लोग क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को फोटो का फेस ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर आ चुके हैं एंड आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा स्मूथ टूल। ओके, इसको ऊपर क्लिक कर लेना है एंड फिर से आप लोग को मैनुअल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा मैनुअल ब्रश, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड फोटो को जूम करके आप लोग को एक ही जगह पे बार बार ब्रश को चलाना है, ठीक है। एंड जितना बार आप लोग ब्रश चलाओगे उतना ही आप लोगों को फोटोग्राफी व्हाइट स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को फोटोग्राफी को स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी स्मूथ हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। सो इस टाइप से आप लोग फोटोग्राफी को स्मूथ कर पाओगे। स्मूथ करने के बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है, एंड फिर से राइट पे क्लिक कर लेने। सो आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हैं वाला फोटो के अंदर कितना ज़्यादा एक अमेजिंग सा टोन आ चुका है एंड फोटो का फेस भी स्मूथ हो चुका है एंड फेस भी व्हाइट हो चुका है, ठीक है। सो इस टाइप से आप लोग फोटो का फेस को स्मूथ एंड व्हाइट कर पाओगे। ओके, सो आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप के अंदर मैं सिखा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट, फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा ड्रॉ टूल, इसको पर आप लोग क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा थ्री डॉट का आइकन, इसको पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना गैलरी के अंदर। ओके, सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।